अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube की फैमिली, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल किलर काइट पे आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। बहुत शानदार हवा, बहुत शानदार मौसम और आ गए हम लोग। कहाँ हैं भाई? हमारे नंदन भाई के साथ आए हैं। कहाँ हैं हम लोग? रकाबगंज आए भाई। रकाबगंज चुन्नी कॉम्प्लेक्स, यही ना? तो हमारे फहद भाई से पतंग लड़ लिए, फहद भाई ना, उमर भाई से पतंग लड़ लिए। और इससे पहले भी एक बार लड़ चुकी है जिसमें हम लोग कटे थे, नौ कट गए थे हम लोग। और आज बहुत दिनों के बाद फिर आज हम लोग आए हैं बदला लेने। देखते हैं, फहद भाई ने बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, मोहब्बत वाले भाईचारा बहुत है फहद भाई से इन लोगों का। तो आज जितने भी पेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा। आप लोग बने रहिए किलर काइट के साथ। शौक होता हुआ यहाँ पर और चुन्नी कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे आमिर भाई लुलू में देखते होंगे इनको, एक नाम तो सुना ही होगा। ये देखिए हमारे दानिश भाई उर्फ डैनी, बहुत पुराने हमारे पूर्ण कैप्टन रह चुके हैं और बीच में क्या देखिए हमारे भूतपूर्व कैप्टन। ये देखिए हमारे अरवी भाई, आपने इससे पहले इनकी रील्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट करा था। ये देखिए ऐसे ही दबा रहे थे, मतलब ठड्डे दबा रहे थे। ये देखिए ठड्डा टूट ना जाए, दबाने का शौक ज़्यादा है। ऐसा ना कहे, घर पे अगर जाएगा तो विवाद हो सकता है। तो ये माल वाल लोग आए, अभी पहला पेज हमारे लेंगे हमारे अदनान भाई, दिखाएंगे आपको उनका पहला पेज। और उधर से भी एक पतंग उड़ गई है और हवा इधर कोने चलती हुई। दिन का दूसरा पेज, एक पतंग बहुत शानदार काटी हमारे अदनान भाई, लगातार जगह लेते हुए नीचे राइट हैंड से। थोड़ी तगड़ी पतंग है, ऊपर अपोनेंट से, ऊपर से अपोनेंट लगातार जगह लेते हुए। ये देखिए दोनों फ्रेम में दिख रही होंगी, राइट हैंड पतंग अंदर लोग जा रहे हैं। हमारे अदनान भाई ने वही उल्टे को खींचा है, वही मुंडे को स्ट्रेट खींचा, भरपूर गद्दा मारा है अपोनेंट ने और ये पेज अपना काट दिया। एक पेज ही कंप्लीट कर पाए हमारे अदनान भाई। अपोनेंट की पतंग आते हुए ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हवा का बिना तोड़ के चले गए थे तो ये पेज कट गए। अपोनेंट ने काट दिया है तीन, चौथा पेज हमारे अदनान भाई लेने जा रहे हैं। देखते हैं काट हमारे अपोनेंट को रोक पाते हैं कि नहीं। चलते पेज पे। हाँ बोलो, आ रहे तुम्हारी हम सपूरी बनाएंगे, टेंशन ना लो। नीचे से लेफ्ट हैंड से पतंग अंदर से जा रही है वो हमारे अपोनेंट की है, राइट हैंड पतंग जो ऊपर से आ रही है वो हमारे अदनान भाई, लगातार जगह लेते हुए। वो अपोनेंट ने ऊँचा किया, पट किया अपोनेंट ने, मुड्डे को लेकर चलते हुए बनाया भाई, मुड्डे को बाहर खींचो अंदर को दिखाया और ये पेज काट दिया और चार पेज कंप्लीट हो गए अपोनेंट के। आज की टीम ये देखिए हमारे बहुत खतरनाक प्लेयर अब्दुल्ला भाई। मनहूस चेहरा दिखाइए अपना, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये लेजेंड है, लेजेंड। देखिए ये देखिए सुहाब भाई पाँचवा पे लेने जाएंगे, भी आएंगे उधर भी हमारे अदनान भाई। खाता खोल चुके हैं, पहली पतंग कह दी ने खाता खोल लिया, उसके बाद इनके से कुछ लेने देना नहीं है। उधर डैनी अरबी की पतंग चुरा ली ने, सुहाब भाई का पाँचवा पेज आता, अपोनेंट का पाँचवा पेज है, सुहाब भाई पाँचवा पेज लेने जा रहे हैं। चार पेज हो गए अपोनेंट के, देखते हैं पाँचवा पेज काटने से रोक पाते हैं कि ये भी सर्रा बुट्टा रहेंगे हम लोग की तरह। पाँचवा पेज स्वैप लेने जा रहे हैं अपोनेंट का। ये देखिए ऊपर से लेफ्ट राइट हैंड से पतंग अंदर को जा रही है वो हमारे स्वैप, पाँचवा पेज रोकने के लिए। नीचे से अपोनेंट लगातार बनाइए, चक्कर पे लेते हुए अपोनेंट लगातार बनाया, बड़ा देखिए हमारे स्वैप भाई लगातार जगह लेते हुए राइट हैंड पे। लेफ्ट हैंड से पतंग जो नीचे थे वो हमारे अपोनेंट की बनाया, बड़ दी हुई हमारे स्वैप भाई ने। दोनों पेज आपको दिख रहे होंगे, बनाया भाई मुड्डे को लेकर चलते हुए, क्रॉस किया भाई से हमारा अंदर फिर से दिखा के ये पेज अपने पांच पेज कंप्लीट कर लिए हैं अपोनेंट ने। छठा पेज चौथा तो अभी कटे, हमें पतंग नहीं दिख रही। लेफ्ट हैंड पतंग अंदर को जा रही है, स्वैप भाई लिए छठे पेज के लिए लगातार लेफ्ट हैंड बढ़ दे के पतंग लिए। हवा थोड़ी डाउन होती हुई देखिए अपोनेंट रखा, देखिए बनाया भाई मुड्डे को मारा है, मार दिया झटके मारे, बहुत शानदार पेज, बहुत खूबसूरत छठे पेज पे रोक लिया अपोनेंट को। बहुत दो एक से पहले और कटे थे हमारे सोहेब भाई, इसको बैकअप करने के लिए इन्होंने अंदर देखो दिखाया था, तीन पेज अपोनेंट ने काटे थे अंदर को दिखाया गया, मगर उससे खूबसूरत झटके मार दिया सोहेब भाई ने। दूसरा पेज सोहेब भाई का, देखते हैं अपनी पतंग से कितने पेज कंप्लीट कर पाते हैं। एक अपोनेंट ने काटे थे पाँच, छठे पे बहुत शानदार झटके मार दिए गद्दा मार के, देखते हैं इस पतंग से कितने पेज होते हैं। चलते पेज पे, ये बनाया मुड्ढा,
भाई मुंडे को चल दिया आप उन्होंने अंदर दिखाया, फिर से अंदर दिखा रहे कुमार कपूर गद्दा मारा है शोएब भाई ने, और दो पेज अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा पेज शोएब भाई का, चलते पेज पे लेफ्ट हैंड पतंग जो अंदर को राइट हैंड पतंग जो अंदर को जा रही है वो हमारे शोएब भाई की है, दो काट दिए तीसरे पेज के लिए जगह लेते हुए। बहुत शानदार पतंग ओपोनेंट को रोका था छठे पेज पे, पांच पेज ओपोनेंट ने काटे थे, लड़ाई फ्रेंड ने पतंग ऊपर को आती हुई हमारे ओपोनेंट के अंदर को निकल आते हुए ओपोनेंट लगातार जगह लेते हुए हमारे शोएब भाई मुड्डा बनाया है, बनाया मुड्डा भाई मुड्डे को लेकर चलते हुए गद्दा मार दिया अंदर को दिखाया तो ओपोनेंट ने झटक रहे थे और सल्लक अब की लाम बनाया है और अंदर का पेज उन्होंने फिर से काट दिया है, तीन पेज कम्प्लीट। चौथा पेज भाई मुड्डे को गद्दा मार दिया मारा है वो सीधा खींच लिया ओपोनेंट ने, अब की अंदर दिखाने की गलती नहीं करी और ये पेज कट गए। वैसे भाई पतंग लाते हुए चला भाई, ये देखिए भाई ये खींचिन झटके मार दीजिए। आठवा पेज ओपोनेंट सात काट दिया ओपोनेंट ने, लाइट हैंड पतंग जो ऊपर से है हमारे शोएब भाई की लगातार जगह लेते हुए वही मुड्डे को लेकर चले हैं, वही मुड्डे को खींचा फिर स्ट्रेट खींच के ये पतंग आठवीं भी काट दी है अपने ने। नवा पे लड़ता हुआ ऊपर से हमारे शोएब भाई बनाया, वही मुड्डे को लेकर चले हैं, अपने ने क्रॉस मारा वहीं से सीधा लिया, खींच रहे झटके, बहुत खूबसूरत पेज काट दिया हमारे शोएब भाई ने और नवा पेज रोक लिया पुराने का। ये गाइस ये मेरे प्लेयर हैं तला किलर के नाम से, इनका एक YouTube पे चैनल है आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार गद्दा मारा इन्होंने पिछले पेज पे, वो मैंने वीडियो नोट बनाई नहीं लेकिन अब आपको पेज में दिखा रहा हूँ। ये राइट साइड में जो हैं वो तला भाई हैं और लेफ्ट साइड में अगेन पार्टी, ये गद्दा मारा वाह, बहुत अच्छा पेज काटा। आप पतंग वो देखिए झूलते हुए जा रही है, नाचती हुई पतंग जा रही है, ये तला भाई की पतंग और मेरे तला भाई ये खड़े। देखिए यहाँ पर आरवी भाई की पतंग यहाँ पर तय थी। हाँ आरवी भाई क्या हुआ थोड़ा बताइए। चाल की पतंग आई, वो कह रहे जो है पतंग बंद कर दी, वो कह रहे चार हुए हैं, पांच हुए थे मगर कहीं चार होता वो भी मान लिया गया लेकिन वो कह रहे पतंग बंद। सामने ये अय्यागंज में पतंग लड़ ली है, अय्यागंज में किसे लड़ ली पतंग, ये उमर बिलाल लोग हैं, बिलाल खालिद नुकुल सब लड़ा रहे थे उधर से पतंग, सलाउद्दीन सबसे लड़ ली है, इन लोग के पतंग आता है सब बेमान है। देखिए ये भाई ने काटा है कल्लू भाई हमारे पांच काटे थे मगर चार कहा उन्होंने अपोनेंट ने, मगर चार भी हम लोगों ने मान लिया, फिर भी उन लोगों ने पतंग बंद कर दी, स्कोर में चाल में पतंग है। और देखिए पतंग उतर रही है, अपोनेंट की टीम उधर है, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये अपोनेंट की टीम है भाई, इन्होंने पतंग बंद कर दी है और ये देखिए पतंग उतर रही हैं, गलत डोर भी लड़ा रहे थे। देखिए ऐसा नहीं होता है, पिछली बार में हम लोग आए थे हमारी तरफ से कोई भी वो नहीं भाई, क्या कहना है इन लोग, आप तो यहीं के हैं, ये जो हुआ ये उन लोग गलत करी पहली बार तो हम लोग को बुलाया गया और लास्ट टाइम पे पतंग बंद कर दी गई है और हमारे प्लेयर को हमारी चार पतंग भाई ने काट दी थी, पांचवें पतंग में उन्होंने कह दिया। और देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये रही छः, ये छः पतंगें हम लोगों की तनी थी जिसमें से भाई ने पांच काटे थे, उसमें से उन्होंने कहा चार है तो चार भी मान लिया, मगर फिर भी उन लोगों ने पतंग बंद कर दिए तो ये हो गए नौ, हमारी तरफ से ये नौ हो चुके हैं आप देख सकते हैं। और देखिए पतंग भी नहीं दिया है, बहुत कुड़कुड़ हुआ है, और हम लोग यहाँ छः पतंग उड़ा रहे हैं, वो सिर्फ दो दो पतंग उड़ा रहे हैं, ये भी तो बताओ परवेश भाई के पास जाओ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, आएंगे परेश भाई थोड़ा वीडियो में बता दीजिए ये जो हुआ ये सही हुआ, एक बार बताइए यार ये गलत चीज़ थी कि नहीं, गलत तो है यार बताइए, चार पतंग पांच काटे थे फिर भी उन्होंने कहा चार, हम लोगों ने फिर भी मान लिया तो ये नौ माने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नौ तो है ही है, वीडियो इसमें डाली क्यों रहा है इस तरह से, जो नौ काट दिए बात नहीं बोल दिया है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सीनियर हैं तो इस वजह से पूछ रहे हैं, तो है भाई तो ये नौ हो चुके हम लोगों ने, नौ हो गए। देखिए परवेश भाई हमने बंद की है पतंग, उन्होंने बंद करी है पतंग, उन्होंने बंद की है, चांस है पतंग है, बात खत्म हो गई। चलिए ये थोड़ा सा वो था और ये देखिए, और इनसे कोई पतंग तय ना करे भाई वरना आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, शौक बर्बाद होगा, दिन भर वही रहा। और देखिए छः पतंगे, टाइम अभी क्या हो रहा है, कितना बज रहा है,
अभी भी आधा घंटा बाकी है, अभी भी शॉक हो सकता है और अभी भी बहुत टाइम है। और उधर देखिए बंद कर दिए, ये है ओपोनेंट टीम। जी क्या कह रहे हैं आमिर भाई, चोर बेईमान सब गलत डोल लड़ाते हैं भाई, गलत डोल लड़ाते हैं। ये देखिए अदनान भाई, इसमें आपका क्या रिव्यू है, कुछ भाई ने कुछ कहेंगे? अदनान भाई हट गए। तो ये था भाई, तो आप ऐसी पतंग वो ना करिएगा यहाँ से तय, तो वरना आपका इसके जिम्मेदार आप होंगे। 9 हो गए हमारी तरफ से, पिछली बार उन्होंने हम लोगों को 9 कटे थे मैं बता देता हूँ, पर अब की हम लोगों ने जब काटा तो उन्होंने पे नहीं दिया, तो इस वजह से यहाँ पतंग बंद होती है और हमारे 9 हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग ग्लोब कैफे किधर गया, बोर्ड किधर है भाई? ये देखिए ग्लोब कैफे पे हम लोग, गालियों को इग्नोर करिएगा, आज 9 काट दिया है हमारे अदनान भाई ने। अदनान भाई ये तो बेइज्जती है भाई, ये बहुत गलत बात हो रही है। ये देखो ये निकले, देखिए सबसे मासूम लौंडा, इन्होंने काटे साथ। हाँ आप आगे वीडियो में, ये तो पेंडिंग है। चाचा हमारे ग्लोब वाले, ये देखिए चाचा इधर इधर। हाँ चाचा बढ़िया, आपकी वीडियो में आइए, आप भी आइए। देखिए मुँह छुपा के भाग रही हैं, देखिए आमिर भाई। ये हमारे सबसे तेज प्लेयर, तेज खतरदार खींचने वाले। क्या कहना है इस बारे में आपको? बना भैया मेरी बना, पहले मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बंदी बन रही है बला, रोक क्या चाचा ने उठा दिया है हमारे भाई को। ये देखिए चाय यहाँ पर हमारे का, और हमारे ये देखिए नाव के नाव मुबारक हो भाई को। हाँ वही बता, उसी पे आ रहे हैं, हमारे आमिर भाई की तरफ से चाय है, नाम तो सुना होगा। हाँ चाय में आ गए थे ये भी और हम भी, खाता खोल लिया था चाय में, ये भी है ये 8 सूखी और हम 9 सूखी। ये गिर गए थे, बकारी कर रहे हैं यहाँ पर चाय में। देखी नहीं चाय में आमिर भाई थे, देखिए गालियों पे इग्नोर करिए। तो ये आज वो था, गेम बहुत कम लड़ा है, एक ही दो पेज होंगे मगर आपको मनोरंजन भरपूर मिलेगा, तो बने रहिए किलर काइट।